हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल। आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम के बारे में। इस वीडियो में जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम का जो रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, उसके बारे में हम लोग टोटली डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊँगा, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पूरा डिटेल्स के साथ पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप चाहे जीरो टू हीरो प्रोग्राम में ज्वाइन हो या नहीं हो, लेकिन आपका ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग लाइफ में ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा एक फॉर्मेलिटी बताने वाला हूँ, जिसके जरिए आप आराम से महीने भर में कुछ ना कुछ अर्निंग आराम से कर सकते हो। तो पूरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी पहले जीरो टू हीरो प्रोग्राम का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हूँ, $10 से $1000 का, $10 से आपको उसके बाद अकाउंट चेंज हुआ $12 से, वो भी $500 बन चुका है अभी तक। तो इस टाइप से जो ट्रेडिंग होता है, ये किस पर्पस में ट्रेडिंग होता है, किसके जरिए में ट्रेडिंग होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और हमारा जो टारगेट रहते हैं, जो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले, जो भी ज्वाइन है हमारे साथ, ये कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। आप ऐसा गलत एक काम मत कीजिएगा, ये एक एडुकेशनल प्रोग्राम है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, ये जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम जो है, ये एडुकेशनल प्रोग्राम है। ये किसके वजह से मैंने स्टार्टिंग किया हूँ, जो आपको कुछ सीखने, नया कुछ सीखने के लिए मिले, आपको थोड़ा रोजी रोटी कमा सके हो। आज जो फ्री सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, फ्री सिग्नल भी मैंने एडुकेशन पर्पस के लिए देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि आपको उस ट्रेडिंग सिग्नल से आपको कुछ आइडिया पता चले जे मार्केट में ट्रेड कैसे करना है मुझे, और जो स्ट्रेटेजी मैं प्रोवाइड करता हूँ जीरो टू हीरो प्रोग्राम में, जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को फॉलो करवाता हूँ, जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करवाता हूँ, उसमें आपका जो माइंड सेटअप है, आपका जो स्ट्रेटेजी सेटअप है, वो डेवलप हो, ये मेरा मोटिव है। तो सबसे वीडियो को चालू करने के पहले सबसे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं शेयर कर लेता हूँ। इसका डिटेल्स कैसे ज्वाइन करना है जीरो टू हीरो प्रोग्राम में, मैं वो भी बता दूंगा। देखिए, बहुत सारा ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल के नाम पे बहुत सारा फेक चैनल आपको ओपन हो चुका है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। कोई भी फेक चैनल पे आपको ज्वाइन नहीं करना है, या पर आप कैपिटल लूज कर सकते हो। बाद में मेरे पास आके आप क्लेम करेंगे, सर मैं ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल का चैनल पे ज्वाइन हुआ था, तो ये टोटली गलत होगा, क्योंकि चैनल का नेम वगैरह पूरा डिस्क्रिप्शन के बिलो दिया हुआ है। चैलेंज का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसी लिंक को आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं तो बोलूँगा डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में जो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप ज्वाइन होंगे तो आपके लिए सबसे बेटर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पहले स्टार्टिंग में 1 मंथ पहले मैंने बना चुका हूँ, मतलब 2 वीक पहले मैंने बना चुका हूँ। तो ये वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो क्या हुआ है और क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पोस्ट के बारे में। कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट डाला हूँ, जे यहाँ पर बहुत जो स्कैमर लोग पहले क्या कर रहा था, पहले दूसरा टेलीग्राम चैनल बना के, मतलब ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल के नाम पे टेलीग्राम चैनल बना के ये वो पोस्ट डाल रहा था। किसी में 10,000 सब्सक्राइबर भी हो चुका है, किसी में 5,000 6,000 सब्सक्राइबर भी है उस टेलीग्राम चैनल पे, ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल के नाम पे चैनल पे, जो फैक्ट चैनल है एक्चुअली, जो वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। वही जब मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ, जब मैंने उसके बारे में पूरे डिटेल्स के साथ एक वीडियो मैंने पर्टिकुलरली यूट्यूब में डाल चुका हूँ, तो अभी स्कैमर लोग क्या कर रहे हैं, स्कैमर लोग क्या कर रहे हैं, आपका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दूसरा तरीका आजमा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपको अवॉइड करके चलना है, टोटली अवॉइड करके चलना है। और टोटली ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको माइंड को मतलब नेगेटिव थिंकिंग डाल के डाइवर्ट 100% करने का ट्राई करेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 100% मैं लिख के देता हूँ आपको। ये लोग ऐसे नहीं मानते हैं, ये लोग हमेशा, किसी का ग्रोथ होता है, कोई भी चैनल का ग्रोथ होता है, या कोई इंसान अच्छा कुछ सिखाना चाहता है, कोई फ्री में कुछ डेवलप करना चाहता है, तो उसको हमेशा बदनाम करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, आपके पास एक नेगेटिव थिंकिंग लेके आते हैं और उसको आपके माइंड में सेटअप कर देते हैं। तो इससे आपको बच के रहना है।
तो ये चीज को अवॉइड करना है। पहले तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल बना चुका है, तो टेलीग्राम चैनल बनाने के बाद मेरे को जैसे पता चला मैं वीडियो बना चुका हूँ। अभी दूसरा तरीका ये लोग आजमा सकता है, तो इससे आपको बचना है। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मिलेगा उसी से ही ज्वाइन होना है, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अभी 02 मास्टर 0 प्रोग्राम का जो हमारा ज्वाइनिंग है, ज्वाइन आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपल एक मैंने यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया हूँ, 02 मास्टर 0 जो है ये एक एडुकेशन एंड लर्निंग प्रोग्राम है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आपको नोट डाउन करना चाहिए। ये एक एडुकेशन एंड लर्निंग प्रोग्राम के लिए मैंने बनाया हूँ। इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हूँ, और इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस फ्री ज्वाइनिंग प्रोसेस है। इसके लिए ₹1 भी आपको किसी को पेमेंट करना नहीं है। और जो अकाउंट ओपन होगा, अकाउंट में कोई भी मिनिमम डिपॉजिट आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है $100, पहले मैंने स्टार्टिंग में $100 का मैंने बात किया था, बट जैसे देखो बहुत सारा ऐसा भी क्लाइंट है जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है और वो सीखना चाहता है कुछ, तो उसके लिए मैंने बाद में सोचा भाई ये डिपॉजिट जो है डिपॉजिट में एक मिनिमम रख लेता हूँ। आप कोई भी डिपॉजिट कर सकते हो, $10, $5, $20, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपके हिसाब में आप जो कुछ सीखना चाहते हो तो आप कोई भी डिपॉजिट कर सकते हो। मैं बोलूँगा जो अकाउंट ओपन करेंगे उसी अकाउंट के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मेरे को भी थोड़ा सा बेनिफिट होता है। मैंने कोई बात मैंने जैसे आप लोगों के साथ छुपाता नहीं हूँ। जैसे हमारा रोबो है, रोबो का भी मैंने लाइव ट्रेडिंग वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। मंथली रिजल्ट प्रोवाइड करता हूँ, सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। तो डेमो टेस्टिंग के लिए भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, जो आप लोग खुद ही डेमो टेस्टिंग कर लो। जैसे आप लोगों को सबको पता है मैंने अभी तक तो 5000 डॉलर सबको मैंने, जो लोग जिन लोगों के पास कैपिटल नहीं था, ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे थे, मैंने अभी तक मोटा मोटी 2 साल में $5000 मैंने सबको प्रोवाइड किया हूँ फ्री में। किसी से $1 भी मैंने मांगा नहीं हूँ। $5000, $1 नहीं है, मैं ये लिख के देते जाता हूँ, $5000 प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, जो लोगों को ये डॉलर मिला है उनको तो ऑलरेडी पता होगा, उसके दोबारा मैं उन लोगों का नाम मैंने लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सबको प्रोवाइड किया हूँ। किसको पता है किसको नहीं पता है उसके बाद में भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ मैं ज़्यादातर तो हाईलाइट नहीं करता हूँ यूट्यूब में या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट में। ठीक है, ये जिसको ज़रूरत पड़ता है मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। ये इतना हेल्प तो मैंने अभी तक किया हूँ। और जैसे सबको पता है मैंने फ्री में बहुत सारा क्लाइंट को मैंने फ्री में भी रोबो प्रोवाइड किया हूँ, जिसके पास कैपिटल नहीं होता था तो फ्री में रोबो भी प्रोवाइड किया हूँ। उसको रोबो ट्रेडिंग करना है तो रोबो भी मैंने फ्री में प्रोवाइड किया हूँ। और सेकंड पॉइंट ये है और भी पहले आप लोगों को पता था मैंने फ्री में VPS भी मैं प्रोवाइड किया हूँ। अभी भी मैं फ्री में VPS प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले भी मैंने फ्री में VPS प्रोवाइड करवाया था, अभी भी करवा रहा हूँ। उसका प्रोसीजर टर्म्स एंड कंडीशन मेरे पास पूछ लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री में रहेगा। मेरे को $1 भी 1 रुपये भी देने का जरूरत नहीं है फ्री VPS के लिए। जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे, लेकिन मेरे को 1 रुपये देने का जरूरत नहीं है। मैं आपका हेल्प कर दूंगा फ्री VPS के लिए। फ्री VPS किसी को चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्री VPS फ्री जो रोबो ट्रेडिंग के लिए जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये टोटली फ्री है, मैं ये सब काम आप लोगों के लिए फ्री में करता हूँ, तो ये फ्री में रहेगा। ओके, और आपको ज्वाइनिंग कैसे करना है, एक अकाउंट ओपन करना है एक्सनेस, उसका लिंक में यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। एक्सनेस के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो या ओक्टाइबेक्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, और फ्री VPS के लिए आपको सिर्फ एक्सनेस के साथ ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फ्री VPS आपको चाहिए तो आपको सिर्फ अकाउंट ओपन करना है एक्सनेस के साथ ही। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन मुझे पूछ सकते हो, सर क्या करना है मुझे, किस टाइप से मेरे को VPS मिलेगा, किस टाइप से मैं VPS को ये करूँ। और VPS का जो चार VPS वाला जो वीडियो मैंने वीडियो ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी जाके देख सकते हो, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये टोटली फ्री है। ठीक है, इसके लिए कोई 1 रुपये भी आपको देना नहीं है ये प्रोग्राम के लिए। और अभी हम लोग आते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट है हमारा, रिस्क मैनेजमेंट के प्रोग्राम के बारे में। तो ये आप देखिए RSI डाइवर्जेंस वगैरह के बारे में मैंने एक छोटा छोटा पॉइंट का नोट डाउन कर लिया हूँ। मई जून महीना जो वार का सिचुएशन है, वार का सिचुएशन में कैसे रिजल्ट रहा है सुपर फाइटर का, तो 2 महीने का रिजल्ट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ। 2 महीने का रिजल्ट शेयर किया हूँ, प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसका रिपोर्ट भी, मोटा मोटी 5 क्लाइंट का 5 क्लाइंट का रिपोर्ट भी मैंने डाल चुका हूँ। ये सेम डेट को ही मिलेगा जो डेट को ये वीडियो अपलोड हुआ है, 12 दिन पहले का। 12 दिन पहले टेलीग्राम चैनल आप चेक कीजिएगा तो उसी डेट को आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और
हम लोग जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेन इम्पोर्टेंट पार्ट, ये पॉइंट को हर किसी ने अवॉइड कर रहा है, मैंने देखा हूँ। मैंने सबको मैंने एक ही चीज़ बोला हूँ, जो लोग जीरो टू हीरो प्रोग्राम में ज्वाइन है उन लोगों को 100% पार्ट डे मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेरे को पता चलेगा आप लोग कितना ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको क्या कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। आप मुझे स्क्रीनशॉट से नहीं शेयर करेंगे तो मुझे भी पता नहीं रहेगा, मेरे को भी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे ही नॉर्मल चलता रहेगा। जब भी आप कोई भी सीखना चाहते हो या कोई ट्यूशन लेना चाहते हो, कोई से भी आप ट्यूशन ले दो, मैं फ्री में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ ये नहीं कि रूल को फॉलो नहीं करना है, रूल को आपको फॉलो करना है। जैसे आप ट्यूशन कोई जगह पर लेते हो, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप क्या करते हो, आपको होमवर्क देता है तो आप उस होमवर्क को नेक्स्ट डे मास्टर को टीचर को दिखाते हो, सर मेरा होमवर्क सही नहीं हुआ है या सही हुआ है, ये चीज़ पता करने के लिए। यहाँ पर भी वैसा ही है, जो आपका क्या स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग रहा, ट्रेडिंग का रिजल्ट क्या रहा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज़ जब तक मेरे को नहीं बताएंगे तो मेरे को जरा से भी पता नहीं चलेगा, और आप लॉस के ऊपर लॉस करता रहेंगे। बाद में मेरे को आके बोलेंगे, सर आपका जीरो टू हीरो प्रोग्राम में मेरे को लॉस कर दिया है, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं है। सिंपल फंडा है, जब मुझे पता रहेगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं तो ये टारगेट स्टॉप लॉस के साथ आपको ये भी दे दूंगा, ऑर्डर भी दे दूंगा, फ्री सिग्नल भी दे दूंगा। फ्री सिग्नल देने का मतलब भी ये बात को समझ लो, कि फ्री सिग्नल जो प्रोवाइड करता हूँ वो भी स्टडी पर्पस के लिए प्रोवाइड करता हूँ। जो फ्री सिग्नल मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, वो स्टडी पर्पस के लिए प्रोवाइड करता हूँ, जो आपको नॉलेज को, ज्ञान हो, नॉलेज बढ़े, नॉलेज थोड़ा अच्छा हो, अच्छे लेवल के पे पहुँचे, और आपके आप एक खुद का स्ट्रेटेजी के ऊपर आराम से काम कर सको, आप खुद खुद के ऊपर डिपेंडिंग हो। क्योंकि हमेशा फ्री सिग्नल के ऊपर, कोई कोई बंदा ऐसा भी है मैंने देखा हूँ, जो लोग फ्री सिग्नल के ऊपर काम करने के लिए ज्वाइन हो चुका है, उन लोगों को लगता है भाई फ्री सिग्नल बहुत कुछ है। अरे मैं भी 100% सही नहीं होता हूँ, फॉरेक्स मार्केट हो चाहे इंडियन मार्केट हो, मैं भी 14 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी अभी भी लगता है भाई मैं भी सही नहीं हूँ कोई भी मार्केट के लिए। क्यों पता है? उसका भी एक रीजन है, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि आप जब तक ना मेरे साथ डिस्कस करोगी तो मेरे को पता नहीं चलेगा। मैंने एक फ्री सिग्नल आपको प्रोवाइड किया हूँ तो आपका भी हक बनता है, सर ये मेरे पास जो मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा स्ट्रेटेजी में सर ये मैंने जैसे बाय का सिग्नल दिया हो और आपको लगता है भाई ये सेल में जा सकता है, तो आपको बताना चाहिए मुझे, जी सर ये सेल में जा सकता है क्या, ये मैंने स्ट्रेटेजी बनाया हूँ, ये स्ट्रेटेजी में मेरे को क्या हो रहा है, सर मेरे को लग रहा है भाई सेल में जाएगा, तो मैंने उस चीज को या रेक्टिफाई कर सकता हूँ, मेरे से भी कुछ गलती होता है तो मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ, और रेक्टिफाई होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जाके हमारा दोनों का कम्युनिकेट अच्छा होगा। स्टूडेंट के साथ टीचर का जब तक कम्युनिकेट सही नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, मार्केट में सीख नहीं सकता हूँ, एक एक पर्सन नहीं सीख सकता हूँ मैं, इतना इतना पता है मुझे। देखो मैं आपको लगेगा मैं आपके साथ बक बक कर रहा हूँ, वीडियो बना दे रहा हूँ, मतलब बेकार सा बक बक करके वीडियो बना रहा हूँ, बेकार सा वीडियो बना रहा हूँ, ये बोलने का मतलब नहीं बनता है, मेरे को भी पता है ये सब बोलने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप अपने मर्जी का मालिक होते हैं, मेरा मर्जी का मालिक होता हूँ, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि किसी का कैपिटल जीरो नहीं होना चाहिए, कोई हर किसी का कैपिटल सेफ होना चाहिए, आपको ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीखने के लिए मिले, मेरा मानना है इतना ही है, जे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले अच्छा रहे। क्योंकि देखिए आपका कैपिटल आपका होता है, मेरा कैपिटल मेरा होता है, मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ, ऑलरेडी $5,000 मैंने सबको प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिन लोगों का पास कैपिटल नहीं था या कोई बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका था कोई जगह से ट्रेडिंग करके या कोई जगह से फ्री सिग्नल लेके या कोई जगह पे पैड सिग्नल लेके, तो वो लोग मेरे साथ बोला था सर मुझे कुछ हेल्प कीजिए, मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए कुछ ये नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर में इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, तो उन लोगों को मैंने 100% हेल्प किया हूँ। लेकिन आपको भी सीखना पड़ेगा, कब तक मैं हेल्प करता रहूंगा आपका, कब तक करता रहूंगा, अब बताओ। एक टाइम तो मेरे को भी ऐसा लगेगा भाई इन लोगों को हेल्प करके कुछ ये ही नहीं है, हेल्प करना ही नहीं चाहिए, फ्री में रोबो प्रोवाइड किया हूँ, फ्री में VPS प्रोवाइड किया हूँ, फ्री में स्ट्रेटेजी प्रोवाइड किया हूँ, फ्री में आप लोगों को सिखाने का ट्राई किया हूँ, फ्री सिग्नल में प्रोवाइड कर रहा हूँ,
और कितना कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन जो भी कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको भी एक बार रिसर्च करना है उसके ऊपर स्टडी करना है, जो ये सही है या गलत है। आपको लगता है गलत है तो मुझे बताना चाहिए, इसको व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप करो, टेलीग्राम पे मैसेज करने का ऑप्शन है, टेलीग्राम पे मैसेज करो, बताओ मुझे सर इस जगह पे प्रॉब्लम है तो ये चीज़ को मेरे को रेक्टिफाई करना है, सर ये सही ट्रेड नहीं है, ये गलत ट्रेड है, इस जगह पे मेरे को ट्रेड को आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, मेरे लिए बेटर होगा। मैंने बहुत बार चैनल पे मैंने एक ही मैसेज डालता हूँ, जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। क्यों मैं डालता हूँ? मैं क्या बेवकूफ हूँ आपके पास मैं स्क्रीनशॉट लूंगा? मेरे को क्या जरूरत है आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का? लेकिन मैं बार बार क्यों मांगता हूँ? मैं कोई कुत्ता हूँ जो भुगता रहूंगा हमेशा आपके पीछे? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मांगता हूँ इसलिए क्योंकि आपका स्ट्रेटेजी डेवलप हो। आप क्या कर रहे हो, आपका रॉन्ग ट्रेड लगा है या सही ट्रेड लगा है, आपका नॉलेज भी मेरे साथ शेयर करो, मैं अपना खुद का नॉलेज शेयर करूंगा। कोई भी चीज़ सीखना होता है ना, कोई भी स्कूल में जाओ, कोई जगह पे हो, हर जगह पे टीचर क्या करता है, टीचर उसका सवाल रखता है, स्टूडेंट उसके आंसर प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट का कुछ सवाल होता है उसका आंसर टीचर प्रोवाइड करता है, तो इसी टाइप से पूरा कम्युनिकेट होता है। आप उसके ऑपोजिट नहीं हो, ये भी सीखना है तो यहाँ पर भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी सीखना होता है तो इसी टाइप से होना चाहिए, मेरा मानना ये है। आप किस टाइप से चाहते हो मुझे पता नहीं, आपका माइंड क्या बोलता है उसका भी पता नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है मैं वो करता रहूंगा, कौन क्या बोल रहा है मुझे उससे फर्क नहीं है। लेकिन बात यह है जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर फॉलो करने के लिए बोला हूँ, और एक बार मैंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से मैं आपको समझा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मैंने ऑलरेडी बक बक कर आप लोगों के साथ बक बक करके बहुत बड़ा बना चुका हूँ और बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है, जैसे $100 का कैपिटल है आपके पास, एक सिंपल $100 में आपको लॉट साइज क्या रखना है, आपको 1% जो है 0.01 रखना है, मतलब ये कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन का चार्ट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, कितना लॉट साइज रखना है 0.01। आप यहाँ पर बोलोगी सर मैं $100 में 0.10 का लॉट साइज रखूंगा, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड जाएगा, गलती से आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है, आप कितना कितना स्टॉप लॉस रख पाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस क्या होगा, जल्दी हीट होगा, हीट होगा तो क्या होगा, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, बार बार जीरो होगा, प्रॉब्लम होगा। मैंने पूरा अच्छी तरीके से पहले वाला वीडियो देख लो, आपको अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ। और टारगेट क्या होना चाहिए, 0.01 के ऊपर मिनिमम, जो बिगेनर है, बिगेनर के लिए तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जो $1 मिनिमम $1 लेके उसको निकाल जाना है। जो प्रो मेंबर है, जो धीरे धीरे सीख चुका है, कुछ दिन मार्केट में काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू उसका स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते आगे जाकर प्रॉफिट ले सकता है। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 5% to 10% होना चाहिए, ये चीज़ को ध्यान रखना है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जैसे 0.01 है आपके पास, $100 है, $100 के ऊपर 0.01 का लॉट साइज रखे हो, क्योंकि मार्केट फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, वोलेटाइल होता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, मार्केट वोलेटाइल होता है, कोई कोई टाइम 500 पॉइंट का भी कैंडल मारते हैं क्या नहीं, तो हम लोगों को हमेशा उसी के हिसाब में, हमारा कैपिटल के हिसाब में स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। तो ये चीज़ को अवॉइड नहीं करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, मतलब मेंटेन करना है, अवॉइड नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जैसे $100 है, $100 का मिनिमम 5% आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया तो आपका क्या होता है, $5 होता है, ठीक है, $5 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आप बोलोगे भाई मैं यहाँ पर $1 का मेंटेन करूंगा तो आपको 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 10 पिप ऊपर जाएगा, मार्केट 10 पिप तो इजीली जाते हैं फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स में इतना वोलेटाइल होता है, फॉरेक्स मार्केट में चाहे कुछ भी करो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में करो, 2 मिनट टाइम फ्रेम को, 1 मिनट में आप किसी में भी करो, लेकिन मार्केट एक झटके में आपको 100 पॉइंट इजीली क्रॉस कर लेते हैं, वो उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। 10 पिप मतलब बहुत ही, जो वही बंदा $1 का स्टॉप लॉस रख सकता है जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको पता है मार्केट के बारे में, जब यहाँ से घूमेगा उसके थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी ऊपर जा नहीं सकता है, तो वहां पर आप इस कंडीशन में कर सकते हो। कोई कोई टाइम मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, जैसे आपने ट्रेंड लाइन बनाया, इस जगह पे मार्केट है, इस जगह पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके इसके ऊपर भी जाते हैं, उसके बाद मार्केट डाउन आते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है भाई, आपका ट्रेंड लाइन बना है, ट्रेंड लाइन बना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर या से रिवर्स लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेंड लाइन के टच करके रिवर्स लेगा, कोई कोई टाइम एक फैक्ट कैंडल थोड़ा सा भी ऊपर भी मारते, तो उसी के हिसाब में आपको स्टॉप लॉस भी मैनेज करना पड़ेगा।
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? और टारगेट कैसे मैनेज करना है, 5% टू जो लोग प्रो ट्रेडर है, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको ट्रेडिंग के बारे में मालूम है उसके लिए बता रहा हूँ, जो टारगेट मेंटेन करना है, जो बिगिनर है, बिगिनर के टारगेट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया हूँ, जो इसी के हिसाब में आपको टारगेट को लेना है 0.0, इसको आपको ध्यान रखना है, जो 0.01 के हिसाब में मिनिमम टारगेट मेरा $1 होना चाहिए और मैक्सिमम टारगेट मेरा $3 होना चाहिए, इतने में मेरे को संतुष्टि रहना है, क्योंकि आगे भी मेरे को ट्रेडिंग चालू रखना है। आपको ट्रेडिंग चालू नहीं रखना है तो आपको, आप यहाँ पर सोचो $3 तक आपको चला गया, फिर आपको $5 के लिए वेट कर रहे हो, मार्केट रिवर्स हो गया, आपको पता नहीं चलेगा, आपको स्टॉप लॉस हिट होगा, सिंपल फंडा है, आपको जो आया था वो भी गया जाएगा, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट को लॉक कर लेना है, या आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना सीखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है उसको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा नोट डाउन कर दिया हूँ, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैंने बोला हूँ 5% to 100% तक आप टारगेट ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके लेना है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कहाँ से कैसे यूज करना है उसके बारे में भी आपको डिटेल्स पता होना चाहिए, उसके लिए एक वीडियो अच्छी तरीके से मैं बना दूंगा। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, 1 आवर 2 आवर्स और डे का टाइम फ्रेम में आपको काम करना चाहिए, कभी भी 5 मिनट 15 मिनट में काम नहीं करना चाहिए फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, इंडियन मार्केट में भी वैसा ही है, 5-15 मिनट में कभी भी काम मत करो, 1 आवर 2 आवर मैक्सिमम मिनिमम तो 30 मिनट के अबाबल टाइम फ्रेम में करो। और आपको लॉट साइज बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, $1,000 के ऊपर 0.05 का, ये रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है जीरो टू हीरो प्रोग्राम में। आप बोलेंगे भाई मेरे पास $100 है, मैं $3 का लॉट साइज ले रहा हूँ, 0.03 का ले रहा हूँ, ये टोटली रॉन्ग है। मैं तो बोलूँगा 100% रॉन्ग हो जाएगा, फिर ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो ये गया पूरा डिटेल। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए, और आप लोगों को कुछ सीखना चाहते हो और मैं भी कुछ सिखाना चाहता हूँ तो मेरे साथ कम्युनिकेट कर 100% कीजिएगा, ऐसा नहीं मुंह छुपा के बैठा रहना है लड़कियों का जैसा, एक कोने में बैठा रहना है, मुझे जो मिल रहा है वही को खाना है, वही पीना है, घर का काम करना है, ऐसा नहीं करना है। आजकल लड़कियों को भी सिखाना चाहिए, लड़कियों को भी डेवलप करना चाहिए हमारा, क्योंकि अभी महंगाई बढ़ रहा है। देखो भाई सिंपल फंडा है, महंगाई बढ़ रहा है, दोनों मियाँ बीवी काम नहीं करोगी तो आपको क्या होगा, आपका खुद का ही प्रॉब्लम है, घर में हमेशा झमेला होता रहेगा, तो दोनों को काम करना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी काम करना है, तो दोनों को कम्युनिकेट करना है, टीचर के साथ स्टूडेंट को के टीचर के साथ, टीचर अकेला बकबक करता रहेगा तो आप हमेशा फेल ही होगी, आपको कुछ होने वाला नहीं है, तो दोनों को कम्युनिकेट करना है। कोई जगह पे गलत होता है, टीचर कुछ गलत लिख देता है, टीचर हमेशा गलत लिखते हैं वो हर जगह पे, तो ये बात को भी आप समझना है, तो उसी को रेक्टिफाई करना भी आपको जरूरत पड़ता है, तो उसी को भी रेक्टिफाई करना है आपको, आपको सीखना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो मत करो, मेरा बोलने का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।